अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, मुलजिमान की बरियत की दरखास्त पर नैब का एहतसाब, अदालत में जवाब पेश। नैब का ये केस नहीं, मुलजिम ने ज्यादा जमीन हासिल करके फीस अदा नहीं की, जवाब में ऐसा कहा गया है। जबकि नवाज शरीफ, मीर शकील और दीगर के खिलाफ इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल का केस है, जबकि जवाब में ये भी कहा गया है। नैब का मीर शकील और दीगर के खिलाफ कानूनी खिलाफ वर्जियों का केस है। मीर शकील ने खिलाफ वर्जी करके जमीन मखसूस हिस्से में अलॉट कराई। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। मुनीर बाजवा, जवाब जमा करा गया है, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नैब की जानब से उनकी बरीद की दरख्वास्त के खिलाफ नैब का जवाब जो है जमा करवाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मीर शकील के ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने ज्यादा जमीन हासिल करके फीस जमा नहीं करवाई। नैब के जवाब में ये कहा गया है कि मीर शकील पर इल्जाम है कि उन्होंने की कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया और एग्जम्पशन पॉलिसी की खिलाफवर्जी करते हुए मीशकील ने जो टाउन में तबन के नाल प्लॉट जो है वो लॉट करवाए। इसके अलावा नैब के जवाब में यह भी कहा गया है कि मीशकील ने 56 के नाल की जमीन को जो है वो गैर कानूनी तौर पर लॉट कराया, जबकि मुख्तलिफ चंक्स में मौजूद जमीन को इकट्ठा करना जो है वो लॉट पॉलिसी की। ठीक है, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया।